Hi, welcome to our channel. This video we solve question number 3. Construct a quadrilateral PQRS in which PQ is equal to 3.5 cm, PQ is 3.5 cm and QR is equal to 2.5 cm and RS is 4.1 cm. Angle Q is equal to 75 degree and angle R is equal to 120 degree. So, सबसे पहले क्या करेंगे आप rough sketch draw करेंगे और rough sketch draw करने के बाद सबसे पहले किसी भी 3 sides में से एक side आप draw करना start करेंगे. ठीक है, उसके बाद से एंगल्स बनाएंगे. एंगल्स बनाने के बाद जो पॉइंट्स मिल जाएंगे उन दोनों को ज्वाइन कर देंगे. दैट्स इट, आपका क्वाड्रिलेटर तैयार है. चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे तैयार करेंगे. सो सबसे पहले हम QR लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे ऑफ लेंथ 2.5 सेंटीमीटर. तो हमने 2.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट QR ड्रा कर लिया है. अब या तो Q से हम एंगल बनाएंगे या फिर R से. तो पहले हम Q पर बना लेते हैं. तो Q पर एंगल बनाएंगे हम 75 डिग्री यूजिंग प्रोट्रैक्टर. तो ये आप जो है ये प्रोट्रैक्टर का जो सेंटर है वो आप यहाँ पर ले लेंगे इस Q पॉइंट पर. और आप देख रहे हैं कि ये जो QR है वो लेफ्ट से राइट साइड की तरफ लाइन ड्रा की गई है. तो आपको एंगल बनाना है इधर से ऐसे बेंड करते हुए. सो आप जो है आउटर स्केल का यूज करेंगे यहाँ पर मेजरमेंट करने के लिए. तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें मिल रहा है आउटर में यदि जाएंगे आप तो 10, 20, 30, 40, 50 कितना करना है, 75 करना है. तो 70 यहाँ पर है और 75, 80 और 70 के बीच में है. तो यहाँ पर एक पॉइंट हम नोट कर लेंगे. तो आप देख सकते हैं कि 80 और 70 के बीचों बीच मैंने एक पॉइंट नोट कर लिया है. नाउ अब क्या करना है कि क्यू पॉइंट और इस पॉइंट के डायरेक्शन में, मतलब क्यू और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा करेंगे जिसका हम नाम दे सकते हैं क्यू एक्स. तो हमने QX लाइन सेगमेंट ड्रा कर लिया. दिस इज X QX. अब QX लाइन सेगमेंट को हम एक आर्क से कट करेंगे जिसका लेंथ होगा 3.5 सेंटीमीटर. मींस Q से P तक आप देख रहे होंगे रफ डायग्राम में कि 3.5 सेंटीमीटर लेंथ है QP का. देयरफॉर Q को सेंटर मान करके और 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के आप एक आर्क खींचेंगे जो एक पॉइंट पर कट करेगा जिसका जो पॉइंट होगा P. हमने एक आर्क ड्रा कर लिया है और यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है वो आपका पॉइंट P है. ठीक है, अब हम यहाँ पर एंगल भी लिख लेते हैं कि जो एंगल PQR है आपका वो एंगल है 75 डिग्री. अब इस R पॉइंट पर हम बनाएंगे एंगल 120 डिग्री यूजिंग प्रोट्रैक्टर. ओके, तो ध्यान दीजिएगा हमें Q पर हमें एंगल बनाना है 120 डिग्री. तो यहाँ पर आप देखेंगे हमें जो लाइन सेगमेंट मिला है वो RQ मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ है. तो हम नीचे वाले स्केल का यूज करेंगे और यहाँ पर आप चेक करेंगे कि 120 डिग्री नीचे वाले स्केल में कहाँ है. तो 120 डिग्री यहाँ पर है. तो हम इस पर एक पॉइंट मार्क कर लेंगे. तो अब यहाँ पर R पॉइंट और इस पॉइंट से मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रा करेंगे आर वाई. तो हमने ये आर वाई लाइन ड्रा कर लिया है. तो अब इस आर वाई पर हम एक आर्क ड्रा करेंगे और उसका लेंथ होगा 4.1 सेंटीमीटर रेडियस का लेकर के आर पॉइंट से आर को सेंटर मानकर. तो हमें जो पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा एस. सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका मिल चुका है एस. नाउ अब ज्वाइन कर देंगे PS. हमने PS को ज्वाइन कर लिया एंड दिस इज योर PQRS क्वाड्रिलेटरल. तो हमने रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर लिया है. तो यदि आपको अच्छा लगा ये कंस्ट्रक्शन तो आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं. यदि आपको किसी तरह का डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.